हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द एग्जाम क्रेकर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सीजन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, दूसरा है एकांकी विद्या से परिचय कराना, तीसरा है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास, और चौथा है एकांकी लिखना सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। पहला ऑप्शन है केवल साहित्य पढ़ने से, दूसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, तीसरा है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, और चौथा है केवल भाषा सुनने से। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है भाषा। पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तकों का विशेष महत्व होता है, दूसरा है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, तीसरा है व्याकरण पर ही आधारित होती है, और चौथा है जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अगला है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, तीसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक, और चौथा है भाषा का आकलन। तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग। पहला ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, दूसरा है केवल परीक्षा में होता है, तीसरा है केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, और चौथा केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट है भाषा स्वयं में। पहला ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है, दूसरा है एक विषय मात्र है, तीसरा है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और चौथा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर सेवन, बच्चे अपने आसपास बोले जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्विंग। पहला ऑप्शन है अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, दूसरा है भाषा के नियम नहीं बना सकते, तीसरा है अपने वाक्य में संशोधन नहीं कर सकते, और चौथा है भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, भाषा के नियम नहीं बना सकते। अगला है भाषा एक डैश विषय है। पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यवहारिक, तीसरा है निरस, और चौथा है चुनौतीपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन टू, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर नाइन, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है। पहला ऑप्शन है विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना, दूसरा है विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना, तीसरा है व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना, और चौथा है भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने के अवसर देना। अगला है सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, दूसरा है बच्चों को जोर जोर से बोलना, तीसरा है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, और चौथा है समाचार पत्र का वाचन। तो क्वेश्चन नंबर टेन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, दूसरा है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, तीसरा है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, और चौथा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि पहला ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, दूसरा है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, तीसरा है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, और चौथा है वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। पहला ऑप्शन है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखना, तीसरा है मन की बात कहना सुनना, और चौथा है अपनी जरूरतों को पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? पहला ऑप्शन है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखना, तीसरा है मन की बात कहना सुनना और अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, दूसरा है भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती रहती है, तीसरा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और चौथा है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट है तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, दूसरा है तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, तीसरा है सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है और चौथा है भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है भाषा का प्राथमिक रूप है, पहला ऑप्शन है सांकेतिक, दूसरा है व्याकरणिक, तीसरा है लिखित और चौथा है मौखिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सांकेतिक। नेक्स्ट है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, पहला ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, दूसरा है कक्षाएं जटिलताओं को बढ़ाता है, तीसरा है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है और चौथा है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, तीसरा है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए और चौथा है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा पहला ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है, दूसरा है विद्यालय में ही सीखी जाती है, तीसरा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और चौथा है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है एलएस वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, दूसरा भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, तीसरा है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं और चौथा है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 राजभाषा का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है देश की सांस्कृतिक भाषा, दूसरा है देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तीसरा है राज सरकारी कामकाज की भाषा और चौथा है आदर्श एवं परिनिष्ठ भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सरकारी कामकाज की भाषा। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, पहला ऑप्शन है द्वितीय, दूसरा है अष्टम, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अष्टम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला ऑप्शन है वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है, दूसरा है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, तीसरा है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि विश्व की सभी भाषाएं थोड़ी सी फेरबदल से लिखी जा सकती है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आया है और सब समझते हैं कि नहीं एक लिपि में कैसे लिखी जाएगी यार, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ही, तो थोड़े से फेरबदल से कोई भी लैंग्वेज किसी भी भाषा में मतलब कोई भी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, पहला है सर्वमान्य भाषा, दूसरा है मधुरता, तीसरा है प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग और चौथा है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है छात्रों से उनकी रुचियां एवं अभिवृत्तियां आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए डैश महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रवृत्ति मानी गई है, पहला ऑप्शन है समाजमिति, दूसरा है पड़ताल सूची, तीसरा है क्रम निर्धारण मान रेटिंग स्केल और चौथा है प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रश्नावली। नेक्स्ट है
भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है साहित्य सराहना सामाजिक, दूसरा है सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, तीसरा है भाषा साहित्य ऐतिहासिक और चौथा है साहित्य बोध सराहना बोध और ऐतिहासिक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, दूसरा है सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, तीसरा है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण और चौथा है विज्ञापनों पोस्टर साइनबोर्ड और भाषा के अनेक उपयोगों का विश्लेषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा बताइए, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, तीसरा है बाबा भारती क्यों उदास थे और चौथा है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।